बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। आई एम योर बायो टीचर मिस तस्लीम। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी फॉर ग्रेड 8। नो आई एम गोइंग टू डिस्कस यू चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। द टॉपिक इज बायोलॉजी एंड इट्स मेजर डिविजन ऑन पेज 3। अब सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जो है, द वर्ड बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। बायोलॉजी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट वन बायो, बायो मीन लाइफ, एंड द सेकेंड इज लॉग्स, लॉगस मीन स्टडी। सो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच गिव अस नॉलेज अबाउट लाइफ एंड लिविंग थिंग्स। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो हमें क्या देता है, नॉलेज देता है, इलम देता है ज़िंदगी के बारे में और ज़िंदा जानदारों के बारे में। ठीक है, यानी बायोलॉजी साइंस की वो शाख है जिसमें हम ज़िंदगी और ज़िंदा जानदारों का मुताला करते हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे जो चेंजेस हो रही होती हैं उनका मुताला करते हैं। ठीक है, अब जो है बायोलॉजी का लफ्ज़ सबसे पहले किसने यूज़ किया था? बायोलॉजी का लफ्ज़, ये जो एक साइंटिस्ट था, स्वीडिश साइंटिस्ट था, नाम उसका क्या था, स्वीडिश साइंटिस्ट था कार्लेनस जो है, उस साइंटिस्ट का नाम था। 1736 में जो है उसने लफ्ज़ बायोलॉजी का इस्तेमाल किया था। नाउ वी डिस्कस अबाउट मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अब जो है मैं आपको बायोलॉजी के डिविजन्स के बारे में बताऊंगी। बायोलॉजी के बारे में आपको पता चल गया कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी का मुताला है। इसमें हम जिंदा जानदारों के बारे में जानते हैं डेली बेसिस पे, जो उनमें चेंजेस हो रही होती है उनके मुताबिक हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो है इसके बायोलॉजी के जो मेजर डिविजन्स हैं उनमें सबसे पहले क्या है, बॉटनी, एंड सेकंड जूलॉजी, एंड थर्ड माइक्रोबायोलॉजी। ये तीन जो है इसके मेजर जो है सब डिवीजन है। ठीक है, बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन और मेजर डिवीजन्स। फर्स्ट वन इज़ बॉटनी, एंड द सेकंड इज़ जूलॉजी, एंड द थर्ड इज़ माइक्रोबायोलॉजी। सो फर्स्ट बॉटनी, बॉटनी क्या है? द स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक है, बॉटनी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट, या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, बॉटनी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद प्लांट लाइफ। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ज़िंदगी के प्लांट्स के ज़िंदगी के बारे में हम मुताला करते हैं, उसके प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसके फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स के क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उनके बारे में हम मुताला करते हैं, और इसको जो है बॉटनी को कहते हैं साइंस ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है। ठीक है, एंड द सेकंड इज़ जूलॉजी। जूलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जूलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे एनिमल्स से मुराद हम ह्यूमन बीइंग भी हैं और दूसरे जानदार भी आते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जूलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद एनिमल्स एंड एनिमल्स लाइफ, इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, डिवेलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। यानी इस ये साइंस की या बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों और उसके ज़िंदगी का मुताला करते हैं, और इसमें क्या इंक्लूडेड है, क्या शामिल है, एनिमल्स स्ट्रक्चर शामिल है, इसकी फिजियोलॉजी शामिल है, प्लांट्स की, एनिमल्स की डेवलपमेंट शामिल है,
और इसकी क्लासिफिकेशन भी शामिल है। यानी हम इसमें जानदारों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो जानदार होते हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या है, एक जानदार दूसरे जानदार से किस लिहाज से डिफरेंट है, उनकी बिहेवियर क्या है, हैबिटेट क्या है, ठीक है, इनकी उस उनमें किस तरीके से डेवलपमेंट होती है, क्या पहले जानदारों में क्या जो डिफरेंसेस थे, आपके जानदारों के मुकाबले में क्या क्या चेंजेस आई हैं और डेली उनमें क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, जानदारों को डिफरेंट रीजन्स के लिहाज से जो है जानदारों को डिवाइड किया जाता है, एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ये सारी क्लासिफिकेशन जो है ये इस में हम डिस्कस करते हैं, जूलॉजी के ब्रांच में हम इसको डिस्कस करते हैं। यानी यहाँ पर हम एनिमल्स का ही मुताला करते हैं, उनके जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनकी प्रिकॉशंस, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो जूलॉजी में आती हैं। नेक्स्ट वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना जो है इसका मुताला जो है वो क्या कहलाता है? माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स अब जो होते हैं वो कौन से जानदार होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं? दोस ऑर्गेनिज़म विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज, ठीक है, वो जानदार या वो खुदबीनी जानदार जो जो बहुत छोटे होते हैं, जो खुदबीन के माइक्रोस्कोप के अलावा हमें नज़र नहीं आते, यानी हम वैसे उन जानदारों को नहीं देख सकते। एग्ज़ाम्पल इसकी क्या है? बैक्टीरिया, वायरसेस, एलजी, प्रोटोजोन वगैरह जो हैं, ये इसकी एग्जांपल्स है, ठीक है। यानी ये इतने छोटे जानदार होते हैं कि इनको हम अपने नेकेड आई जो होती है, जो वैसे जो होते हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे होते आते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें ज़रूर जो होते हैं माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम इनको देखते हैं, उनकी शक्लें जो होती हैं हमें नज़र आती हैं, इनमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन वगैरह आते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा, बायोलॉजी को डिस्कस किया कि बायो का क्या मतलब है, ये कम्बिनेशन है, टू ग्रीक वर्ड्स जो है इसकी कम्बिनेशन है, बायो का मतलब लाइफ है, लॉगस का मतलब स्टडी है, ठीक है, और इसके मेन जो डिवीजन से बायोलॉजी के वो बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी है। बॉटनी में हम स्टडी ऑफ प्लांट यानी प्लांट्स को स्टडी करते हैं, जूलॉजी में एनिमल्स को स्टडी करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। आज ये जो था ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस जो मेन ब्रांचेस है उसको डिस्कस करेंगे, और आप तब तक ने जो है ब्रांचेस को घर में आप इसको पढ़ लें, ताकि जब आप वीडियो को देखें तो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। थैंक्स।